नमस्ते, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 4 रीयूज रिड्यूस रिसाइकल। स्टूडेंट्स, कैन यू नो द मीनिंग ऑफ रीयूज रिड्यूस रिसाइकल? अवर न्यू यूनिट यूनिट नंबर 4 साइडिंग इज गिवन हियर, रीयूज रिड्यूस रिसाइकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेडिंग, देन आफ्टर वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड होल द यूनिट। रीयूज मींस व्हाट? रीयूज मींस रिफर्स टू यूजिंग आइटम्स मोर देन वंस। कोई एक चीज को ज्यादा बार अगेन एंड अगेन वी कैन यूज, इट इज नॉन एज ए रीयूज, उससे हम रीयूज बोलते हैं। कोई एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल सी हियर मार्कर पेन, हियर मार्कर पेन इज दैट। इफ मार्कर पेन आई यूज वंस एंड आई थ्रो इट, इट्स नॉट गुड। इफ वन टाइम मार्कर पेन इंक एम्प्टी देन आई एड इंक वंस अगेन, then it's mean it's used as a reuse, उसे हम क्या बोलते हैं? Reuse बोलते हैं। Then next word is the reduce. Reduce means what we have to understand. Reduce means minimize the amount of waste. हम कोई चीज की कम मात्रा में waste create करें, reduce। हम use ऐसी चीजें हैं जिसे हम use करना ही कम करते हैं, it's known as a reduce, उसे हम रिड्यूस बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज दैट रिसाइकल। रिसाइकल मींस व्हाट? वन थिंग आई यूज्ड, इफ आई डोंट वांट दैट थिंग, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट वी हैव टू यूज इट इज ए क्रिएट वंस अगेन अनदर थिंग्स फ्रॉम दैट थिंग्स, उसमें से हमें कोई दूसरी चीज बना के वापस यूज करना है, इट्स नॉन एज ए रिसाइकल। और इंग्लिश टर्म पुटिंग अ प्रोडक्ट टू ए न्यू यूज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, उससे हम फेंक देने की वजह से उसका कुछ अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट एज ए रिसाइकल। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड थ्री टर्म, अवर हेडिंग्स थ्री टर्म, रीयूज रिड्यूज एंड रिसाइकल। रीयूज मींस वापिस हमें कोई चीज को यूज करना है, रिड्यूस हमें रिड्यूस का मतलब है कोई चीज को हम कम मात्रा में यूज करना चाहिए, जिसका जरूरत नहीं जरूरत है उतनी ही चीज यूज करनी चाहिए। एंड रिसाइकल, कोई भी एक चीज पुरानी चीज में से कुछ नया बनाना था, इट्स नॉट एज ए रिसाइकल। नाउ आइडिया क्लियर अबाउट रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल। नाउ दिस टाइप ऑफ यूनिट यूनिट नंबर 4 वी हैव टू स्टडी। इन 1 to 10 एक्टिविटी वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी नंबर फर्स्ट स्टार्टेड विथ अ लिटिल स्टोरी अबाउट बुद्ध, लॉर्ड बुद्धास डिसाइपल, लॉर्ड बुद्धास डिसाइपल। वन लिटिल स्टोरी इज गिवन हियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, व्हाट इज द यूज ऑफ रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी नंबर फर्स्ट हेडिंग इज गिवन हियर, बुद्धास disciple gets a new rock. Buddha's disciple gets a new rock. First of all, disciple means what? We have to understand. Disciple means pupil or followers. In pupils or follower, in Gujarati we can say that shishyam. Shishyam. Disciple means shishyam. Pupil or follower. Buddha's disciple gets a new rock. Rob means what? Rob means a long, loose outer garment or reaching to a ankle, जो बहुत बड़ा overcoat जैसा होता है। In Desi language, in Gujarati language, we can say that it's a jumbo. Jumbo. It's a very long, loose garment which reach to our ankle. Which reach to our ankle, that type of cloth is known as a robe. Understand, student? So here Buddha's disciple gets a new robe. Little incident of
between Buddha and disciple is given here. We have to understand about it. So let's start. Open your English textbook, page number 28. I explain it line to line. You have to keep attention here. Once a disciple of Buddha asked him if he could get a Europe. One day, what happened? Disciple of Buddha, Buddha Bhagwan, Buddha Bhagwan, if he could get a new robe, उसे नया रोब मिल सकता है, उसे नया रोब चाहिए, पहनने के लिए नया रोब चाहिए. After Buddha made sure that the old robe could not be used any longer, he allowed the disciple to get a new one. Now what happened? After Buddha made sure, Buddha made sure is doorful. वो सही बात बोल रहा है कि नहीं, वो चेक करके बुद्ध भगवान ने क्या बोला, that the old robe would not be used any longer. So Buddha here found out that old robe is not longer. So it torn out. So he allowed the disciple to get a new robe. After that, correcting it, checking it, Buddha gave this disciple to get a new robe. A few days after or later, Buddha asked the disciple if he was happy with this new robe, his new robe. So after some days, after few days, later Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe. उसने जो new robe मिला है उससे वो happy है, ऐसा Buddha ने उसे ask पूछा. Now disciple gave answer, yes master, I am very happy. Now disciple replied that, yes master, I am very happy to get a new robe. Okay? Now Buddha once again asked one question. Tell me, though, now that you have a new robe, what did you do with your old robe? अब आपके पास नया रोब है, तो आप अपने पुराना रोब था, जो पुराना रोब था उसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे? Then disciple replied that, Master, I am still using it. Master, I am still using that old robe. How? I am using it as my new best friend. I am using my old robe as my new best friend. मैंने अपने best friend से उसे use करता हूँ. Best friend means what? उछार. Okay? So here I use my old robe as a my new bed spread. मैं उसे अपने bed spread के बजाय वो old robe use कर रहा हूँ. उसकी जगह पर मैं old robe use कर रहा हूँ. Now Buddha once again asked one question. Then what did you do with your old bed spread? So you put your old robe as a new bed spread. Then what will you do to your old bed spread? अपनी old bed spread है. Then a disciple replied that, Master, I am using my old bedspread as my new window curtain. I am using my old bedspread as a window curtain. मैं अपने window पे उसे window curtain के तरीके से लगा दूंगा. अपनी जो old bedspread है उसे मैं window curtain बना दूंगा. बारी नो पढ़ दो. ये बना लिया. Then Buddha replied, what about your old curtain? If you put new old curtain on window, then what will you do with old curtain? Next question asked by Buddha once again, what about your old curtain? आप अपने old curtain को क्या करोगे? Then disciple replied that, we are using it to handle what utensils in the kitchen. We are using it to handle what utensils in the kitchen. जो kitchen में what utensils होते हैं उसे उठाने के लिए हम old curtain का use करेंगे. Old curtain है उससे हम गरम utensils है उससे हम उठाने के लिए use करेंगे. Utensils means no na beta. Tools to be used in the kitchen. जो kitchen में जो tools use होते हैं उसे हम utensils बोलते हैं. तो गरम utensils को उठाने के लिए हम वो old curtain यूज करेंगे. Now next question asked by Buddha. Oh, what a good idea. But can you tell me
what did they do with the old cloth they used in the kitchen? Your idea is very good, Buddha replied. But what will you do? Old cloth is, if you used to carry hot utensils, आप hot utensils को उठाने के लिए जो old कपड़े थे, उसका क्या करेंगे आप? आपने नया कर्टेन है उसको उसके प्लेस पे रख दिया कि गर्म यूटेंसिल्स को उठाने के लिए, मगर जो पहले आप यूज करते थे गर्म यूटेंसिल्स को उठाने के लिए, उसका क्या करेंगे? Now disciple replied that we are using it to mop the floor. मैं उसे फ्लोर साफ करने के लिए रखूंगा. इसे मॉप मीन्स पोतू करवा माटे वापस. We are using it to mop the floor. Now Buddha once again asked one question. Then what have they done with the old rag being used to mop the floor? तो आप इससे mop बना देंगे. इससे आप mop बना देंगे तो जो आप पुरानी mop यूज करते थे उसका क्या करेंगे? Here rag done with the old rag being used to mop the floor. Rag means what? Rag means a torn pieces of old cloth. जो old cloth होता है उसका torn pieces होते हैं, फटी गई कपड़ों. Being used to mop the floor, आप floor use करोगे. Disciple replied, Master, then they were very torn. Master, the old mop is very torn. The old rags were only small strips of cloth. Now it's remaining only strips of cloth, very torn condition. Buddha asked them, so they are worse than? They are worse than. तो आप उसे फेंक दोगे ना आप उसे old rag को. Now disciple replies once again, No master, the old rags are now the new weeds in the land. No master, I don't throw the old rag here. I use it. The old rags are now then the new wicks in the lamp. Lamp में हम लगाएंगे. आपने देखा होगा तो कोई पुराना लैंप है उसके राउंड में बीच में लैंप होता है, उसके राउंड में कोई कपड़े का कवर लगा होता है जिससे क्या होता है कि लाइट डिम हो जाती है और नीचे की तरफ लाइट दिखाई देती है. सो आई यूज दैट विक्स से हम विक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विक्स. तो आई यूज द ओल्ड रॉग ओल्ड मॉप एज ए विक्स ऑफ द लैंप. विक्स इन द लैंप के आजू बाजू में उसने लगा दूंगा. बुद्धा स्माइल एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड. एंड बुद्धा स्माइल एट द डिसाइपल एंड वेंट अवे विद सेटिस्फेक्शन. उससे सेटिस्फेक्शन हुआ कि उसने जो नया रोग लिया है उसका उसने सही इस्तेमाल किया है. उसने कोई भी चीज फेंक नहीं दी. पहले नया रोग ओल्ड रोग कैसे बेड स्प्रिट ओल्ड बेड स्प्रिट एज ए विंडो कटिंग ओल्ड विंडो कटिंग एज ए यूज एज ए हैंडल वॉटर पेंसिल्स इन द किचन. After that, old mop that used as a hot utensils, it is used as a mop the floor. After old mop the floor is used as a torn pieces, as a lamp wicks. So all the things is used here. No one thing is a wastage here. So listening that disciple's answer, Buddha satisfied and went away. Can you understand, student? Here our Buddha's disciple gets a new role. First, lesson over here. You have to write all the new words as I written on the board in your fan or book. Give heading unit number 4, reuse, reduce, recycle, and write all the new words in your fan. Okay, students, here our activity number 1 over. Remaining activities we have to do in our next video. Thank you for joining us.